टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। 2020 में शुरू हुई महंगाई की मार अभी तक जनता पर भारी पड़ रही है और जनता महंगाई की मजधार में फंसती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद आज एक बार फिर से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट बढ़ाकर जनता की परेशानियों को भी बढ़ा दिया। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की अगस्त 2022 की बैठक आज यानी शुक्रवार को हुई, जबकि बुधवार से चल रही 3 दिनों की बैठक के बाद आज रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि इस बार रेपो रेट को 0.50% बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जबकि पिछले 4 महीने में रेपो रेट 1.4% बढ़ चुका है और अब इसका असर लोगों के होम लोन से लेकर पर्सनल लोन तक की ईएमआई पर दिखने वाला है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज ऑल्सो पिकिंग अप। द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स रिकॉर्डेड डबल डिजिट ग्रोथ फॉर द सेकेंड मंथ इन ए रो इन मे, एंड इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स ऑल्सो विटनेस्ड रोबस्ट ग्रोथ इन जून। पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग रोज टू एन 8-month हाई इन जुलाई। PMI services indicated continued expansion in July, although it fell from an 11-year high that was experienced or that was seen in the month of June. Capacity utilization in the manufacturing sector. रिजर्व बैंक ने मई के महीने में मौद्रिक नीति समिति की आपात बैठक बुलाई थी। महंगाई बेहिसाब बढ़ जाने के कारण रिजर्व बैंक को ऐसा करना पड़ा था, जबकि मई 2022 की बैठक में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.40% बढ़ाया था। उसके बाद जून महीने में मौद्रिक नीति समिति की नियमित बैठक हुई, जिसमें रेपो रेट को 0.50% तक एक बार फिर बढ़ाया गया। अब आरबीआई ने मई महीने में करीब 2 साल बाद पहली बार रेपो रेट में एक बड़ा बदलाव किया था। करीब 2 साल तक रेपो रेट महज 4% पर बना रहा था, लेकिन अब रेपो रेट बढ़कर 5.40% तक पहुंच गया है। सरकार और रिजर्व बैंक के प्रयासों के बाद महंगाई भले ही धीरे धीरे काबू में आने लगी है, लेकिन दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व समेत कई देशों के सेंट्रल बैंक आक्रामक तरीके से ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं। फेडरल रिजर्व ने अमेरिका में ऐतिहासिक महंगाई के चलते लगातार ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी इसी सप्ताह ब्याज दरों में रिकॉर्ड 27 साल की सबसे बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस कारण लगभग सारे एनालिस्ट ये तय मान रहे थे कि रेपो रेट भी बढ़ेगा। ज्यादातर एनालिस्ट का अनुमान था कि रिजर्व बैंक इस बार रेपो रेट को 0.35% से 0.50% तक बढ़ा सकता है। भारत में महंगाई की ऊंची दरों का सामना करना पड़ रहा है। जून लगातार 6ठा ऐसा महीना रहा जब खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के अपर लिमिट से ज्यादा रही, जबकि भू राजनीतिक घटनाक्रमों में तेजी से आ रहे बदलाव के बीच ग्लोबल फूड प्राइसेस में नरमी, यूक्रेन से गेहूं के निर्यात की पुनः शुरुआत, घरेलू बाजार में खाने के तेल के दाम में नरमी और अच्छे मानसून के कारण खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आने वाले समय में महंगाई के मोर्चों पर राहत मिल सकती है। हालांकि इसके बाद भी खुदरा महंगाई की दर कुछ समय तक ऊंची ही बढ़ी रहने वाली है, जिससे